महंगाई ने हुसूल तालीम को भी नामुमकिन बना दिया। नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ किताबों और स्टेशनरी की नई कीमतों ने हैदराबाद के वासियों के औसान खता कर दिए। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीम उल्ला। मुल्क में तालीम सबके लिए का नारा तो लगा पर इस पर अमल न हो सका, जिसके सबब 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं, जबकि जो ज़ेर तालीम हैं उनके लिए हुसूल तालीम को महंगाई ने मुश्किल बना दिया है। और तालीमी साल के आगाज पर कुतुब और कुलियात इल्म की नई कीमतों ने शहरवासियों के होश उड़ा दिए हैं। तालीमी मेयार बिल्कुल जीरो है और तालीम की जो किताबें बुक्स वगैरह नाइन मेट्री वगैरह वो बहुत महंगी हमारी दस्तरस से बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट बुलाते हैं और ना हमारी तनख्वाहें इतनी अच्छी है कि हम अपने बच्चों को आला तालीम के लिए किसी आला स्कूल में भेजा सकें। महंगाई ने जिस तरह इजाफा हुआ है इसकी वजह से काम पे तो जो है ना बहुत असर पड़ रहा है। और जो है गवर्नमेंट ने जो है ना वो 18% जो टैक्स हाइक किया है स्टेशनरी के आइटमों पर, इससे जो है ना वो बहुत महंगाई में और इजाफा हुआ है। शहरी नई किताबों की खरीदारी के बजाय इस्तेमाल शुदा कुतुब की खरीदारी को फौकियत दे रहे हैं, जबकि दुकानदार भी काम की कमी पर मायूस हैं। महंगाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें मुतासर कर रही हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई जो है वो सबसे अव्वल जो है वो आती है। इसमें हम लोग जो है वो महंगाई की वजह से बच्चों के जो है नए कोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं, इसमें बहुत मुश्किल का हमें सामना है। क्योंकि बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने का वालदेन का ख्वाब हाकमी ने वक्त में एक ख्वाब ही बना छोड़ा है, जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं लगती। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्ला, सच न्यूज़, हैदराबाद।